हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। और ये बताइए मुझे कि IQ कैसा है? क्या IQ? जिसलिए आई उसी लिए आई हूँ, चैंपियन में आई हूँ। IQ, वाह वाह दीदी। नहीं नहीं दीदी, वाह दीदी। ना ना ना, ये कोई कॉमेडी शो नहीं, ये इनका अपना रोडीज है, जहाँ टेस्ट के तौर पर कंटेस्टेंट से मॉडलिंग करवाई जाती है। और जब यहाँ रोडीज यानी लिविंग ऑन द एज नहीं चलता, तब चलता है तमाशा, जिसमें सच में तमाशे के अलावा और कुछ भी नहीं होता। खिलाड़ी बना, नीचे नहीं गिरूंगी, लेकिन जहाँ पाकिस्तान में ड्रामा और एडवेंचर की जगह है, वहीं एक टॉक शो भी सुर्खियों में छाया रहता है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वैसी चलती है, बिल्कुल वैसी। और हॉर्न भी बजाने के लिए उसमें कुछ रखा है? यस सर। है ना, जरूरी है ना, हॉर्न तो पाकिस्तान में तो जरूरी है। लेकिन जहाँ निदा सिर्फ मीम बनने के लिए अपना लॉजिक लगाती हैं, वहीं ये शो क्यों बंद होने के कगार पे था। वेल, चलिए उसके राज को खोलते हुए देखते हैं आज के बेतुके पाकिस्तानी रियलिटी शोज। नंबर 1, कौन है करोड़पति। जमीन और आसमान में जितना अंतर है, उतना ही एक पाकिस्तानी का करोड़पति बनना। दोनों का कोई रिलेशन नहीं, लेकिन फिर भी 2002 में पाकिस्तानियों ने क्या आप बनेंगे करोड़पति नाम का रियलिटी शो निकाला, जहां 2002 में एक आम पाकिस्तानी की आमदनी लगभग 1000 रुपए थी। वहीं ये शो उन्हें करोड़पति बनाना चाहता था, पर फैक्ट भाई को इस शो में एक भी कंटेस्टेंट करोड़पति बना नहीं मिला। और शायद इसीलिए इस शो के सेकंड सीजन के बाद यानी 2004 में इस शो को बंद कर दिया गया था। पाकिस्तान वाले अपने लोगों को किसी भी हाल में करोड़पति बनाना चाहते थे, इसीलिए 2014 में उन्होंने जीतो पाकिस्तान की शुरुआत करके लोगों को करोड़ों बांटे। लेकिन फिर भी इनके सवालों में बेतुकापन खत्म नहीं हुआ। आईफोन किस ब्रांड का मोबाइल फोन है? आपके ऑप्शंस हैं सैमसंग, वाइवो, हुआई एंड एप्पल। यानी जिसका जवाब दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है, उसे गेम शो में पूछा जा रहा है। अब इनके एक्टिंग के 50 रुपए कौन काटेगा? पता नहीं। नंबर 2, आप कराची नहीं आ रहे। पहले आती है चौक को बोर्ड पे खुरदने की आवाज, दूसरी आती है नाखून से स्टील पर घिसती हुई आवाज, और दोनों के ऊपर आती है पाकिस्तानी आइडल में गाते हुए सिंगर्स की आवाज। हालांकि तीनों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। पहली नजर में क्या जादू कर दिया, तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। पर ऐसा नहीं कि इस शो में अच्छे कंटेस्टेंट नहीं आए थे। यहाँ मारिया मीर नाम की एक लड़की आई थी, जिसने जजेस के सामने अपना टैलेंट पेश किया था। लेकिन जजेस के आगे कोई बोल सकता है नहीं ना, तो इसीलिए उन्होंने मारिया को अपनी छोटी आवाज की वजह से रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जनता के कोर्ट ने जजेस को दोषी ठहराया और मारिया का करियर इससे ही चल पड़ा। और ये राहत फतेह अली खान जी के साथ भी एक ड्यूट किया है, सॉन्ग 20+ पाकिस्तानी मूवीज में गा चुकी हूँ। अब शायद यही वजह है कि 2013 में सीजन 1 के लॉन्च होने के बाद सेकेंड सीजन की कोई खबर सामने नहीं आ रही है। यानी सिक्योरिटी की वजह से पहले 2007 से 2013 तक का इंतजार, और अब शो के आगे का अता पता लापता। नंबर 3, अंदर की बात है। एक होता है लॉजिक, दूसरा होता है बेतुका लॉजिक, पर अगर इन दोनों को ही इग्नोर करेंगे तो हमें मिलता है पाकिस्तान का तमाशा। भाई लोग, इस शो में कोई अपने आप की तो छोड़ो, होस्ट की भी नहीं सुनते। रुक जाए। इतना ही नहीं, जब ये अपने आप में होते हैं तो लड़ते वक्त दांत तोड़वा लेते हैं। आगे आना चाहिए, सुने, दांत टूट गया। और जब ये लड़ते नहीं है, तभी ये एक दूसरे की नकल उतारते हैं। खुश रहें और खुशियां बिखेरें। वैसे इस शो का कॉन्सेप्ट काफी सिंपल है। कुछ कंटेस्टेंट्स घर के अंदर जाते हैं और बाहर से बादशाह सलामत उन्हें कुछ टास्क करने को देते हैं। किसी शो की याद दिलाई? वेल, कॉपी या हमारे हमशक्ल होने की बात किसी और वक्त करेंगे, क्योंकि तमाशा को अपने 2023 में हुए सीजन 2 का विनर मिल चुका है। इन्हें इनाम के तौर पर 25 लाख पाकिस्तानी रुपए मिले हैं। इतना ही नहीं, आपको सेलेब्स के तौर पर कंटेस्टेंट तो नहीं पर होस्ट जरूर मिलेगा, जो कि अदनान सिद्दीकी बने हैं, जिसे हमने मॉम मूवी में देखा था। नंबर 4, पाकिस्तानी रोडीज। कभी सिलेक्शन हो गई आपकी? सिलेक्शन मुझे नहीं समझ आ रहा कि मेरी सिलेक्शन होगी। तो कभी यानी पाकिस्तान के लिविंग ऑन द एज ने लोगों से बस हंसवाने के लिए ऑडिशन ले रखा था। तो भाई लोग, जिसके ऑडिशन ही इतने फनी हो तो सोचो एपिसोड कैसे होंगे। लेकिन फिर भी वकार जका के इस शो में उन्होंने कुछ खतरों के खिलाड़ी वाले स्टंट डाल रखे हैं।
शायद यही वजह है कि इसके IMDb पेज पर इसे पाकिस्तान का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शो कहा जाता है। लेकिन इसकी पॉपुलरिटी को देख एक और शो शुरू हुआ जिसका नाम था चैंपियंस विद वकार ज़का। ये शो भी फनी ऑडिशन से ही शुरू हुआ, पर जहां बेतुकेपन का सिलसिला चल ही रहा था कि अपने अश्लीलता और गंदे अल्फाजों की वजह से इसे 2020 में बैन करार दे दिया गया। वो बहुत ज्यादा लंबा है इसलिए आपको लग रहा है, किसका सबसे छोटा लगा? लेकिन शो की शान रह चुके वकार के प्लान्स इन सारे शो से कुछ बढ़कर थे। वो निकल पड़े क्रिप्टो की गलियों में और उन्होंने पाकिस्तान की सबसे पहली क्रिप्टो माइनिंग कंपनी का आरंभ किया। नंबर 5, टैलेंट कहाँ है? अक्सर देखा है कि रियलिटी शोज में जजेस कंटेस्टेंट की भर भर के बेइज्जती करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में उल्टा है, यहाँ कंटेस्टेंट जजेस को रोस्ट करते हैं। एक साल अच्छा नहीं गाता सर, तो फिर वो सामने वाले को कैसे बोल सकता है कि वो सही गा रहा है या नहीं गा रहा है? हालांकि उस सिंगर ने भी कुछ खास कमाल नहीं दिखाया था। चले छैया 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 चले छैया 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 छैया। इस शो में डांस होता है, सिंगिंग होती है, कॉमेडी होती है और टैलेंट दिखाने की भरपूर कोशिश की जाती है। इतना ही नहीं, ये शो बनाने का मकसद स्टार एक्टर, स्टार सिंगर और हर उस स्टार को ढूंढना था जो पाकिस्तान की एकेडमीज नहीं कर पा रही थी। इनफैक्ट इस शो के अनाउंसमेंट पर 15,000 पाकिस्तानियों ने रजिस्टर किया था, लेकिन इन बेचारे मेकर्स को क्या पता था कि यहाँ जज कंटेस्टेंट को नहीं सिर्फ कंटेस्टेंट जज को जज करने आते हैं। शायद ये जान चुके थे कि जीत कर भी क्या फायदा जब इन्हें मिलने ही 5,00,000 रुपए हैं। लेकिन अभी तक फैक्ट भाई को पूरे इंटरनेट पर इसका विनर का कोई अता पता नहीं मिला। अगर आप जानते हो तो कमेंट जरूर करना। नंबर 6, चलते फिरते मीम। गुड मॉर्निंग शब्द का इजाद 11वीं सदी में हुआ था ताकि ये बोलने पर लोगों की सुबह अच्छी जाए, पर गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एक ऐसा शो है जहां ना कुछ गुड है और ना मॉर्निंग में इसे देखने का मन करता है। इस शो में कई हंसने लायक हादसे हो चुके हैं। Women. यानी इस शो में आते हुए गेस्ट भी सोचते होंगे कि भाई साहब किस लाइन में आ गए हम। और तो और जब निदा के शो पर औरतें आती हैं तो आपको बिल्कुल किटी पार्टी वाली वाइब मिलेगी, पर जहाँ इनके शो में कई उल्टी सीधी हरकतें हुई हैं, वहीं निदा का गुड मॉर्निंग पाकिस्तान बैन होते होते रह गया। ये बात तब की है जब इनके शो पर एक रेप विक्टिम के माँ बाप आए थे और निदा के बेतुके सवालों के बाद सारे इंटरनेट ने #banNidaYasir का नारा लगा दिया। तो अब ऐसे टॉक शो का क्या मतलब जिसकी होस्ट को ही कोई होश ना हो। पाकिस्तान 2009 का वर्ल्ड कप कब जीता था T20 का? 1992। नंबर 7, हंसना था। नेशनल एनिमल्स के नाम बताइए। पाकिस्तान मारखोर। हाँ, इंडिया आरामखोर। शायद यही सारे जोक्स की वजह से शो का नाम हंसना मनाए रखा गया, क्योंकि इससे सिर्फ उन्हें ही हंसी आती होगी। इस शो में तमाम ऐसे सेलेब्स आए थे जो खास करके पाकिस्तान में ही फेमस आए, और इस सब के कारण ये शो पाकिस्तान की TRP लिस्ट में पहला भी आया था। लेकिन ना सिर्फ सेलेब्स, इस शो में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी आए, जिनमें से एक है हारिस रऊफ। विराट कोहली ने दूसरा छक्का मारा था वर्ल्ड कप में फाइनल में, तो आपका रिएक्शन उस वक्त क्या था और आपके मुंह से क्या निकला था उस वक्त? यानी कोहली भाई ने एक ही छक्के से इस शो को रोस्ट कर दिया। पर इसी मंच में जब जावेद मियां दादा आए तो उन्होंने इंडिया की और बाल ठाकरे की तारीफ की। क्योंकि मैंने इंडिया में जब मैं गया था, आप बिलीव करते मैंने कोई बादा शो किए थे के बाद बाल ठाकरे का नाम रियलिटी में जब उनसे मुलाकात हुई सारी कुछ, यानी कि इतना अच्छा बंदा कि मैं बता नहीं सकता। मतलब साफ है कि लोगों को भड़काने वाली बातें हंसने हंसाने वाले शो में ना हो तो बेहतर होगा। लेकिन फिर भी अपने डबल मीनिंग जोक्स और फैमिली शो के नाम पे अजीब क्लिप्स दिखाने की वजह से इस शो के बंद होने की बातें चर्चा में आई हैं। अब देखना ये होगा कि इस शो का फ्यूचर क्या है। नंबर 8, भूत का सामना। आप भूत के पीछे, भूत आपके पीछे, टू मच फन। और ये फन देने पाकिस्तान के काशिफ खान और असद सिद्दीकी निकल पड़े थे। इन दोनों ने घोस्ट एनकाउंटर शो बनाया और ये पाकिस्तान का पहला रियलिटी शो बना जिसमे भूत पकड़े जाते हों। इसमें वो कैमरा और माइक्रोफोन लेकर हॉन्टेड प्लेसेस पर जाते और फिर वही कौन है यहाँ पर। हालांकि इस शो के जितने पाकिस्तानी फैन थे उतने ही हिंदुस्तानी भी थे। इंडिया से काफी सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं। शायद उन सभी फैंस को यही लगता था कि इस शो के एंड में असल का भूत आ जाता है। अब सच का तो पता नहीं, पर फैक्ट भाई ये जरूर कहेगा कि पाकिस्तानी क्रिएटर्स को भूतों से ज्यादा ही लगाव है, क्योंकि हर दूसरा उन्हीं के पीछे लगा हुआ है। अब इस पर फैक्ट भाई करे, उससे पहले कैरी मिनाटी ने ही रोस्ट कर रखा है। क्या धोखेबाज भूत है, विक्टिम कार्ड खेल रहा है और घोस्ट हंटर भी तो घड़े बक हैं, भूत के साथ कबड्डी खेल रहे हैं। चल 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 पर फिर भी उनके रोस को उन घोस्ट हंटर्स ने हंस कर निकाल दिया। और इन सभी घोस्ट हंटर्स के बीच में हमें चूज करना
हमारी वीडियोस को चूज करना हमारे लिए, हमें ये लगता है कि बहुत बड़ी एजाज की बात है। नंबर 9, खेलते रहो, कहीं भी जाओ गेम शो बनाओ, यही पहचान है पाकिस्तान के आमिर लियाकत साहब की। और ये वही है जिन्होंने यादा आमिर ने 2016 में ऐसे नहीं चलेगा बनाया और 2017 में गेम शो ऐसे चलेगा बना डाला, जैसे कह रहे हो मैं नहीं तो कौन। और हाँ, ये फेमस मीम भी उन्हीं की गेम शो पे उत्पन्न हुआ था। इतना ही नहीं, सिंगिंग के अलावा यहाँ फनी डांस भी होता है। और भाई लोग, इस गेम के रूल्स काफी सिंपल हैं। आपको आना है, एक ब्रीफ केस सिलेक्ट करना है और उसमें जो निकलेगा वो सब आपका। पर गेम होस्ट आपको भटकाने के लिए लाखों वादे भी कर सकता है, मगर जहाँ पहले इसके होस्ट आमिर थे वहीं उनकी जगह दानिश तैमूर ने ले ली। लेकिन इससे आमिर नहीं आ रहे, उन्होंने 2020 में फिर अपना गेम शो जीवे पाकिस्तान शुरू किया और दानिश को एज अ गेस्ट इन्वाइट किया। तो भाई लोग, ये थे वो रियलिटी शोज जिनकी असलियत देखना थोड़ा मुश्किल है, पर एक बात है, हर दूसरे शो में ये इंडिया से पंगा जरूर लेते हैं, वैसे ही जैसे ये पाकिस्तानी मूवी में करते हैं। अगर आप जानना चाहते हो कि कैसे पाकिस्तानी मूवीज में हिंदू धर्म का अपमान हुआ है, तो इस आई बटन पर क्लिक करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद।